महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी पीजीटी यूजीसी डीएसएसबी टेट सीटेट एमपीवर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट सेकेंड थर्ड के संस्कृत विषय की ऑनलाइन निःशुल्क क्लास हेतु यूट्यूब में महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। महादेव संस्कृतम तेलियागंज प्रयागराज। ऑफलाइन क्लास हेतु महादेव संस्कृतम तेलियागंज प्रयागराज में संपर्क करें। महादेवाय नमः। मैं महादेव संस्कृतम प्रयागराज से अनुज मिश्र बोल रहा हूँ। आप सभी मित्रों का फिर से इस चैनल में स्वागत है, अभिनंदन। हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसी क्रम में आज हम लोग कारक प्रकरण प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम लोग कारक प्रकरण की भूमिका पर बात करेंगे कि कारक क्या है, व्हाट इज कारक, कारक क्या है, किसे हम कारक कह सकते हैं। यह विषय संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए चलते हैं कारक भूमिका भाग एक, देखते हैं कि कारक क्या है, किसे कारक किसे कहते हैं। तो इस स्लाइड में दिख रहा होगा यह व्याकरण, इस व्याकरण के रचयिता महर्षि पाणिनि हैं। कठोर साधना के बाद ईश्वरी कृपा से उन्होंने व्याकरण के लिए सूत्र बनाए। पाणिनि के द्वारा रचित सूत्रों की संख्या लगभग 4000 है। सूत्रों की संख्या में मतभेद है, क्योंकि कहीं कहीं योग विभाग करके एक ही सूत्र को दो सूत्र भी माना गया है। अतः कई विद्वानों में मत में सूत्रों की संख्या केवल 3965 ही है, तो कुछ लोग इससे ज़्यादा मानते हैं। हाँ, 4000 से ऊपर नहीं मानते, 3965 से नीचे भी नहीं मानते, इसलिए लगभग 4000 हैं, ऐसा कहना ही उचित है। ठीक है, इन सूत्रों के साथ धातु पाठ में लगभग 2000 धातुएं, अर्थात इनके अतिरिक्त 2000 धातुएं हैं। इस सूत्र के साथ धातु पाठ है जिसमें 2000 धातुएं हैं। पाणिनि जी ने सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासन और पाणिनि शिक्षा, ये 5 विषयों से पूर्ण व्याकरण बनाया है, अर्थात इनको संयुक्त करके उन्होंने पूर्ण व्याकरण की रचना की। पाणिनि जी के द्वारा सूत्रों में उस समय जो न्यूनताएं दृष्टिगोचर हुई उनकी पूर्ति के लिए कात्यायन जी ने वार्तिक बनाए। सूत्र और वार्तिकों की व्याख्या के रूप में महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य ने विशालतम महाभाष्य लिखा। अष्टाध्यायी के क्रम में काशिका आदि अनेक ग्रंथ लिखे गए। बाद में अष्टाध्यायी के क्रम में भिन्न भिन्न किंतु अष्टाध्यायी के सूत्रों को लेकर रूपावतार, प्रक्रिया कौमुदी आदि ग्रंथ की रचना हुई। प्रक्रिया ग्रंथों में आज भट्टोजी दीक्षित जी की रचना वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, कौमुदी शब्द कौ प्रक्रिया का संपूर्ण ज्ञान हो सकता है। इसके बाद इसमें ही शिष्य वरदराजाचार्य जी ने सार सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्यम सिद्धांत कौमुदी की रचना की। लघु सिद्धांत कौमुदी का आज व्यापक प्रचार है, इसमें जिसमें पाणिनि जी के 1273 सूत्रों का उपयोग किया गया है। इसके बाद में ने गोविंदाचार्य जी ने धृष्टता करके रज सिद्धांत कौमुदी बनाई है, जिसमें पाणिनि जी की लगभग 1600 सूत्रों का ही सन्निवेश है, 1200 सूत्रों का सन्निवेश है। अब विभक्त्यार्थ प्रकरण कारक प्रारंभ होता है। आपने संधि प्रकरण के बाद अजंत पुल्लिंग आदि 6 प्रकरणों में सु औजस अम औष्टाभ्यांभिस गे भ्यांभिस गस भ्यांभिस गी ओसुप इत्यादि 21 प्रत्ययों का विधान देखा और पढ़ा भी होगा। इन प्रत्ययों को 7 विभक्तियों में विभाजित किया गया है। कौन सी विभक्ति किस अर्थ में होती है, यह बात इस कारक प्रकरण में बताई जाएगी। अतः इस प्रकरण को विभक्त्यर्थ प्रकरण भी कहते हैं। कारक शब्द एक अर्थकर्ता भी है, किंतु यहाँ पर कारक शब्द परिभाषित है करोत क्रियाम निवर्तीति कारकम, अर्थात अथवा क्रियान्वित्वम कारकत्वम,
अथवा साक्षात क्रिया जनकत्व कारकत्व, जो क्रिया का निमित्त बने अर्थात जो जो क्रिया का निष्पादन करे, जो क्रिया के साथ अन्वित हो अथवा जिस क्रिया के साथ सीधे संबंध रखे, अथवा जो क्रिया का जनक है उसे कारक कहते हैं, उसे ही कारक कहते हैं। परिभाषा फिर से देख लें, करोत क्रिया निवर्तिति कारकत्वम, क्रिया निमित्तम कारकत्वम, साक्षात क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। यदि कारक देते हैं तो कारक शब्द क्रिय धातु से रवुल प्रत्यय, डुक्रिय धातु से रवुल प्रत्यय का व्युत्पत्ति अर्थ इस प्रकार है, करोत इति कारकम अर्थात क्रियाम करोति निवर्तिति कारकम, अर्थात क्रिया कर्मे में क्रिया की सिद्ध करने वाला, बनाने वाला, पूर्ण करने वाला तत्व ही कारक है। कारक का लक्षण प्राय इस प्रकार दिया जा सकता है, क्रियान्वित्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया के साथ जिसका अन्वय साक्षात संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि देखें तो क्रिया के संपन्न होने में जिस पदार्थ का साक्षात अर्थात सीधे उपयोग होता है उसे कारक कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ रामः लंकायां बाणेन रावणं जघान, यहाँ पर यदि जघान क्रियापद है, इसका अर्थ पूरे वाक्य का है राम ने लंका में राम बाण से रावण को मारा, वाक्य में हनन क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होगा वही कारक होगा। यदि वाक्य में हनन क्रिया के साथ राम, रावण, लंका एवं बाण का सीधा संबंध है, रामः अगर क्रिया से पूछे तो कह जगान तो बोले रामः जगान, किम गग जघान रावणम जघान, केन जघान राम बाणेन जघान, और कस्माद जघान तो लंकायाम जघान, अर्थात रामः रावणम बाणेन लंकायाम, ये सभी कारक हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नाम और क्रिया में संबंध का द्योतन जिस माध्यम से होता है वह कारक कहलाता है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार क्रिया निष्पादकत्व कारकत्व अर्थात क्रिया के निष्पादन करने की शक्ति जिसमें हो वो वही कारक है। आप देख रहे हैं इस वाक्य में रामा जघान, रावणम जघान, वाणेन जघान, लंकायाम जघान, सबका जघान क्रिया के साथ सीधा संबंध है, इसलिए ये कारक हैं। बाकी जिनका संबंध इनके साथ सीधा नहीं होगा अर्थात क्रिया के साथ जिसका संबंध सीधा ना हो वे कारक की श्रेणी में नहीं रखे जाते। यदि हम देखें कि नाम और क्रिया में संबंध के भेद के आधार पर कारकों में भेद होता है, संबंध योग संबोधन क्रिया का सिद्धि में साक्षात उपयोग नहीं होता। दो चीज़ें बता रहे हैं, संबंध और संबोधन अर्थात संबंध और संबोधन क्रिया की सिद्धि में साक्षात उपयोग नहीं होता, अतः वे कारक नहीं कहलाते। उदाहरणार्थ यदि हम देखें तो तुम रामस्य पुस्तकम पठ, एक उदाहरण है, तुम राम की पुस्तक को पढ़ो, वाक्य में पठन क्रिया के साथ तुम अर्थात तथा पुस्तकम का सीधा संबंध है, पढ़ने की क्रिया करने वाला तुम है, का पठ तो बोले तुम पठ, और का पढ़ी जाने वाली वस्तु पुस्तक है, किम पठ तो बोले पुस्तकम पठ, लेकिन रामस का पठ क्रिया से कोई संबंध नहीं, पठन क्रिया में राम का कोई योगदान नहीं है, राम का संबंध तो पुस्तक से है, पुस्तक राम की है पुस्तक, पुस्तक राम की है, राम और पुस्तक दोनों ही नाम है, जबकि नाम और क्रिया के संबंध पर आश्रित होता है कारक होता है कारक, अतः राम का क्रिया के साथ संबंध न होने के कारण यहाँ राम कारक नहीं है। इस प्रकार राम तम अत्र अगच्छ वाक्य में आगमन क्रिया अगच्छ के साथ तम का संबंध है किंतु राम का नहीं, आने वाला तुम राम पद का प्रयोग तो आगे कहे जाने वाले वाक्य का सम्यक बोध कराने के लिए किया है, हे राम पद का उच्चारण में राम वक्ता की ओर अभिमुख होगा अर्थात वक्ता की ओर देखेगा और फिर वक्ता आगे जो कुछ भी कहना चाहेगा उसका बोध राम को भली भांत विधिवत होगा। इस प्रकार राम पद का क्रिया के साथ अन्वय नहीं है, अतएव राम और संबंध राम क्रमशः संबंध एवं संबोधन मात्र है, संबंध एवं संबोधन कारक नहीं। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि संबोधन हो संबंध कारक की श्रेणी में नहीं आते, कारक की श्रेणी में नहीं होते, क्योंकि क्रिया के साथ ना तो संबंध का अन्वय सीधा होता है ना ही संबोधन का,
संबंध किसी नाम का के साथ संबंध का बोधन होता है, संबंध होता है, और संबोधन तो आगे के वाक्य क्या कहे जाएगा इसको अभिमुख करने के लिए, इसकी ओर सीधा संकेत करने के लिए संबोधन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए दोनों ही कारक किस श्रेणी में नहीं आएंगे। नाम शब्द से क्रिया शब्द के 6 प्रकार के संबंध होते हैं। अतः संस्कृत व्याकरण में कारक 6 प्रकार के होते हैं, एक कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कर्ता, कर्म और करण का क्रिया के साथ साक्षात संबंध, निकट का संबंध होता है, जबकि संप्रदान, अपादान, अधिकरण का क्रिया और आदि के साथ परंपरा संबंध होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कारक 2 प्रकार के संबंध रखते हैं, एक सीधा संबंध, एक परंपरा संबंध, जिसमें संप्रदान, अपादान और अधिकरण का कर्ता के द्वारा परंपरा संबंध होता है, जबकि कर्ता, कर्म और करण क्रिया के साथ सीधा संबंध रखते हैं। यथा नृपः ब्राह्मणाय गाम ददाति, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, में नृप और गाम का जितना सीधा संबंध ददाति क्रिया से है उतना ब्राह्मणाय का नहीं। देने का काम राजा कर रहा है, देने का फल गाय पर पड़ रहा है, अर्थात गाय ही वस्तु है जो दी जा रही है। क्रिया से साक्षात संबंध नृप और गाय का है, दूसरों का संबंध प्रकारांतर से है। इस प्रकार कर्ता और कर्म में प्रत्यक्ष कारक है, जबकि अन्य कारक अप्रत्यक्ष कारक हैं। कुछ विद्वान कर्ता को ही मुख्य कारक मानते हैं, अर्थात उसे ही महत्व देते हैं, क्योंकि क्रिया जिसकी अधीन होती है, अन्य कारक तो कर्ता के अधीन रहकर ही क्रिया की सिद्धि में कर्ता को सहायता प्रदान करते हैं। अर्थात उनका कहना है कि कर्ता मुख्य है, क्योंकि उसी के अधीन रह के अन्य कारक निष्पादन होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कारक 6 हैं। कारक 6 की संख्या ज्ञात बताने के लिए कारिक आपके सामने है, पहले वाचन करके इसका अर्थ समझें। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि 6। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि 6। बोले इत्याहु कारकाणि 6 इत्याहु, कारक 6 कहे गए हैं, ऐसा कहे गए हैं, कारक 6 ऐसा कहे जाते हैं। बोले कौन कौन? बोले कर्ता, कर्ता कर्म, कर्ता कर्ता और कर्म, करण और संप्रदान तथा अपादान और अधिकरण, ये कारक 6 प्रकार के कहे गए हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि 6। ये कारक 6 हैं, कर्तिकारक, कर्मकारक, करणकारक, संप्रदान कारक, अपादान और अधिकरण कारक। संबंध को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि षष्ठी को छोड़कर अन्य सभी कारकों का क्रिया के साथ संबंध होता है, साक्षात संबंध है, किंतु संबंध का सीधे अन्वय न होकर परंपरा सम अन्वय होता है। जैसा रामः पठति में रामः कर्ता का पठत क्रिया के साथ साक्षात संबंध है, और कर्ता और क्रिया एक दूसरे से आकांक्षा युक्त हैं, अतः सीधे संबंध रखते हैं। इस तरह क्रिया के साथ अन्वय करने की योग्यता होने के कारण प्रथमा विभक्ति युक्त रामः यह कारक हुआ। इसी प्रकार देवदत्ता पुस्तकम लिखति, इस वाक्य में पुस्तकम इस कर्म का, लिखति इस क्रिया के साथ साथ में सीधे संबंध हो रहा है, इस संबंध में सीधे संबंध हो रहा है। पुस्तकम और लिखत के बीच में, पुस्तकम और लिखत के बीच में उतना सीधा संबंध नहीं, सीधा संबंध है, सीधा संबंध है, अन्य किसी शब्द की में सीखी अन्य किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है। इस तरह क्रिया के साथ अन्वय करने की योग्यता होने के कारण द्वितीया विभक्ति युक्त पुस्तकम यह कर्म कारक हुआ, अर्थात क्योंकि बीच में किसी कारण में नहीं हो रहा इसलिए यह कर्म कारक हुआ। गोपाला कराभ्याम प्रणमति, गोपाल दोनों हाथों से प्रणाम करता है। इस वाक्य में कराभ्याम इस करण साधन का, प्रणमति इस क्रिया के साथ सीधे संबंध हो रहा है। कराभ्याम प्रणमति के बीच में किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं है।
इस तरह क्रिया के साथ अन्वय करने की योग्यता होने के कारण तृतीया विभक्ति युक्त कराभ्याम यह करण कारक हुआ, अर्थात दूसरा तीसरा करण कारक हुआ। गोपालाभ्याम कराभ्याम प्रणमति, यहाँ पे कराभ्याम प्रणमति से कराभ्याम का करण प्रणमति सीधा संबंध, इसलिए करण कारक हुआ, सहायता ले रहा। अगला वाक्य है राजा धनम निर्धनाय ददाति, अथवा राजा निर्धनाय धनम ददाति, राजा धन निर्धन को देता या राजा निर्धन को धन देता है। इस वाक्य में निर्धनाय इस संप्रदान का सीधा संबंध ददात क्रिया के साथ हो रहा है। निर्धनाय और ददात के बीच अन्य कोई शब्द ना हो तो भी वाक्य वाक्य की संगति बैठ जाती है। क्रिया के साथ अन्वय करने की योग्यता होने के कारण चतुर्थ विभक्ति युक्त निर्धना या संप्रदान कारक निष्पन्न हुआ, संपन्न हुआ। अगला देखें तो छात्रा पाठालयात आगच्छन्ति, छात्र पाठशाला से आ रहे हैं। इस वाक्य में पाठालयात इस अपादान का आगच्छन्त इस क्रिया के साथ में सीधे संबंध अर्थात अन्वय हो रहा है। पाठालयात और आगच्छन्त के बीच में अन्य किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है। इस तरह क्रिया के साथ अन्वय करने की योग्यता होने के कारण पंचमी विभक्ति युक्त पाठालयात यह अपादान कारक संपन्न हुआ और यह पांचवा कारक अर्थात अपादान कारक सिद्ध हुआ कि यह क्रिया से सीधा संबंध रखने के कारण कारक है। देवदत्तस्य पुत्रा शाकम आनयति, यहाँ देवदत्त का पुत्र शाक लाता है। इस वाक्य में देवदत्तस्य या षष्ठी विभक्ति युक्त शब्द का आनयत क्रिया के साथ में सीधे अन्वय नहीं हो रहा है। देवदत्त का लाता है ऐसा वाक्य ही नहीं बनता। देवदत्त का और लाता है के बीच में किसी अन्य शब्द की आवश्यकता होती है। इस तरह क्रिया के साथ साक्षात अन्वय करने की योग्यता न होने के कारण षष्ठी विभक्ति युक्त संबंध कारक नहीं होता, कारक की कारक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर यदि हम पुत्रा शाकम हटा दें तो देवदत्तस्य आन्यत सीधा देवदत्तस्य लव आन्यत क्रिया को लें तो यहाँ वाक्य बनेगा देवदत्त का लाता है, जबकि यह पूरा वाक्य नहीं बन रहा है। इसके लिए अन्य शब्दों की आवश्यकता है पूरे सेंटेंस बनाने के लिए, इसलिए यह केवल संबंध है, कारक नहीं है, जबकि जो संबंध पुत्र से है। अगला देखें तो है बालकः कटे तिष्ठति, बालक चटाई पर बैठता है। इस वाक्य में कटे इस अधिकरण का संबंध तिष्ठति क्रिया के साथ सीधे हो रहा है। कटे और तिष्ठति के बीच में अन्य किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है। इस तरह क्रिया के साथ अन्वय करने की योग्यता होने के कारण सप्तम विभक्ति युक्त कटे यह अधिकरण कारक हुआ, अर्थात यह सातवां अधिकरण कारक हुआ, क्योंकि कटे तिष्ठति इतना बोलें तो चटाई पर बैठता स्पष्ट हो जाता, पूरा सेंटेंस बन जाता। और आगे यदि देखें तो विवक्षाता कारकाणि भवन्ति, वक्ता जिस प्रकार से अर्थात जिस प्रकार के भाव से किसी को प्रस्तुत करना चाहता है अथवा प्रस्तुत करता है यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। वह अग्निपचत या अग्निनापचत कहें, अग्निपचत अथवा अग्निनापचत कहें आदि किसी रूप में प्रयोग करना चाहता है तो उसे प्रयोग कर उसी प्रकार रूप में प्रयोग कर सकता है। इस भूमिका में इतना ही, नेक्स्ट भूमिका में हम लोग अगले प्रकरण में अगली क्लास में हम लोग और अच्छे से कारक के विषय में पढ़ेंगे और सामान्य रूप से संक्षिप्त में कार्य